ऑल राइट, सो रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। चलिए अभी हमारा यहाँ पे हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं। हेलो हेलो, ऑल राइट। सो पिछले क्लास में हमने क्या किया था वो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स हैव लुक एट दैट थोड़ा सा एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट, तो पिछले क्लास के अंदर हमने यहाँ पे बात किया था हमारे चारों चेंबर्स के बारे में। उसके साथ अगर आपको याद हो तो मैं बात किया था हमारे यहाँ पे कॉर्डिया टेंडिनी के बारे में एंड द पेपलरी मसल्स। सो कॉर्डिया टेंडिनी और पेपलरी मसल्स बेसिकली आपके यहाँ पे हेल्प करते हैं कि आपका वाल्व जो है वो कोलैप्स ना हो ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो वो टाइम पे आपके वाल्व्स कोलैप्स ना हो, वो चीज का वो लोग वहां पे ध्यान रखेंगे। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। वाल्व्स का कलेक्टिवली काम क्या होता है हमने यहाँ पे देख लिया था, दे अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। राइट, सो यू हैव अ आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व एंड यू हैव अ सेमिलुनर वाल्व। सो ये दो कैटेगरी में हम यहाँ पे वाल्व को डिवाइड करते हैं। तो वाल्व्स आई थिंक काफी हद तक सबको यहाँ पे क्लियर थे व्हाट वाई वाल्व्स आर नोन फॉर। और अगर मेरे वाल्व्स काम नहीं कर रहे देन यू हैव अ इश्यू ओवर देयर, देन यू कैन हैव अ कंसर्न ओवर हियर। अब मुझे एक बात बताइए, उस चीज का नाम क्या था जो दोनों आर्टरिया के बीच में एक स्मॉल डिप्रेशन क्रिएट कर रहा था, विच वॉज दैट नेम? फोसा फोसा वेलिस, फोसा वेलिस वेलिस वेलिस, बिल्कुल सही बात है। फोसा वेलिस हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा था एंड दैट स्ट्रक्चर इज समथिंग जो आपका एक डिप्रेशन के तरीके से आपको दिखता है, बट फीटल स्टेज पे वहां पे आपको एक स्मॉल होल आपको वहां पे मिलता था, वो तो भी हमने डिस्कस किया था। देन वी हैव डिस्कस दिस थिंग सिस्टॉल। सिस्टॉल का मतलब आपको यहाँ पे होता है कॉन्ट्रेक्शन। राइट, तो जब भी आपके सामने टर्म आएगा सिस्टॉल याद रखना दैट मींस आपका कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे हो रहा है। डायस्टॉल का मतलब आपका यहाँ पे होता है आपका रिलैक्सेशन। आर्टेरियल सिस्टॉल का मतलब आपका यहाँ पे होता है कि आपके आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मींस आपके आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जब आपके आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ब्लड नीचे आएगा। वी हैव सीन दैट। जब हम बात करते हैं आर्टेरियल डायस्टॉल की, दैट मींस मेरे आर्टेरिया रिलैक्स कर रहे हैं। तो आई होप ये टर्म्स अब आपके यहाँ पे क्लियर है। जब भी आपके सामने सिस्टॉल टर्म आए ये, जब भी आपके सामने डायस्टॉल टर्म आए, सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद कि उसका मतलब क्या होता है। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? हमने कल की क्लास में की थी। यस सर, ऑल राइट देन, ठीक है। देन वी हैव सीन द कॉर्डेट टिंडेनिया। हमने इनका रोल देखा था, हमने देखा था ये कहाँ पे अटैच है। अगर मैं आपसे पूछूं पैपलरी मसल्स कहाँ पे मिलते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? इनसाइड द वेंट्रिकल 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 राइट, वेंटिकल्स के अंदर मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे ठीक पैपलरी मसल्स। बिल्कुल सही बात है, यू विल फाइंड देम इन द ओवर देयर। हमने फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड अब यहाँ से हमारी स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। सो नाउ व्हाट विल गेट टू सी ओवर हियर। हार्ट के बारे में यहाँ पे कुछ चीजें और लिखी हुई है, उसको हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। बड़ी ही सिंपल चीजें आपके यहाँ पे लिखी हुई है। हार्ट के बारे में अगर पूछा जाए कि आपका हार्ट ओरिजिन कहाँ से करता है, इफ दे आस्क यू कि आपका हार्ट कौन सी जर्म लेयर से बनता है, देन आपका आंसर होगा वहां पे आपका मीजोडर्मल ओरिजिन। सो हार्ट बेसिकली आपका ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द मीजोडर्म। आप जानते हो यू हैव थ्री जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। मीजोडर्म में से आपका हार्ट ओरिजिनेट करता है। सो मीजोडर्म मीजोडर्म में से आपका हार्ट बनेगा। देन कहाँ पे ये होता है? लोकेट इन द थोरैसिक कैविटी बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में आपका ये होगा, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, ये भी हम देख चुके हैं पहले ही। एंड इट इज द साइज ऑफ अ क्लिंच फिस्ट। जब मैं अपनी फिस्ट बंद करता हूँ, जो मेरा फिस्ट बंद करने का जो मेरा साइज बन रहा है उसमें ही साइज का मेरा हार्ट होता है। ठीक है, इट इज द साइज ऑफ अ क्लिंच्ड फिस्ट। सो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना। सो दैट इज समथिंग यू कैन नो। राइट, यू कैन सी आपका यहाँ पे हार्ट आपका काम कर रहा है। तो देखो एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट याद रखना कि यू हैव अ टू आर्टरिया टू वेंट्रिकल्स, ये तो आप जानते हो। आपका आर्टरिया, आपका जो आर्टरिया होता है, सो वेन यू हैव द आर्टरिया, सो लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू, लाइक वेन यू हैव द आर्टरिया, राइट, आर्टरिया से वेंट्रिकल के अंदर आपका जब ब्लड आता है, सो वेन यू हैव अ आर्टरिया और आर्टरिया से वेंट्रिकल के अंदर जब आपको ब्लड आएगा तब आपके वाल्व्स आपके खुले रहेंगे। याद रखना वो टाइम पे आपके वाल्व्स ओपन रहते हैं। सो ये बात याद रखना कि आपके वो टाइम पे आपके वाल्व्स हमेशा आपके यहाँ पे ओपन रहेंगे। सो यू हैव दिस वाल्व्स ओवर हियर एंड दे विल रिमेन ओपन, ये आपके यहाँ पे ओपन रहेंगे और वो टाइम पे आपका ब्लड जो होगा वो आपका आएगा आर्टरिया से वेंट्रिकल्स के अंदर। सो यू हैव दिस वेंट्रिकल इन द बॉटम, राइट, और जब आर्टरिया से ब्लड आपका आ रहा है तब आपके वाल्व्स आपके यहाँ पे ओपन रहते हैं। सो दे विल ऑलवेज रिमेन ओपन। तो ये बात आप लोग यहाँ पे याद रखना, सो दे विल ऑलवेज रिमेन ओपन ओवर हियर। सो देन यू विल फाइंड द ब्लड विल गेट इनटू द वेंट्रिकल्स, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। जब मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
जब मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब ये वाल्व मेरा बंद हो जाएगा, तब ये मेरा वाल्व यहाँ पे बंद हो जाएगा। सो ये चीज आप ऑलरेडी आप जानते हो कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई बी फाइंडिंग कि मेरे वाल्व बंद होंगे, सो दैट यू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। नाउ यहाँ पे हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, वी हैव सीन व्हाट इज पेरिकार्डियम, व्हाट इज माय पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब फटाफट इसका आंसर करो ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या था? एनीवन? पेरिकार्डियल फ्लूइड जो आपको मिलता है आपके और ओटा के वहां पे लगी हुई आपको मिल जाती है आपकी सेमिलुनर वाल्व। देन वी हैव डिस्कस अवर चार चेंबर, वी हैव डिस्कस द फोर चेंबर, टू अपर चेंबर राइट, दैट मींस टू आर्ट्रिया एंड टू लार्जर चेंबर दैट इज गोइंग टू बी द वेंट्रिकल। ये हमने बात किया था। हार्ट के बारे में ये सब हम यहाँ पे देख रहे हैं। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम हम लोग कर चुके हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हम लोग देख चुके हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी हम यहाँ पे देख चुके हैं राइट। अगर मैं आपसे पूछूं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में से कौन सा ज्यादा थिक होता है तो आपका आंसर क्या होगा? इंटरवेंट्रिकुलर। बिल्कुल सही, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम मेरा यहाँ पे ज्यादा थिक होगा। ठीक है, देन वी हैव सीन द बाइकस्पिड मिट्रल वाल्व, हमने यहाँ पे देख लिया वेंट्रिकुलर। हाँ जी, एंड देन वी हैव सीन द ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये सारे वाल्व हम यहाँ पे, ये सारी चीजें हम लोग अभी तक देख चुके हैं। दिस इज ऑल समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम यहाँ पे कुछ और देखेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंडक्टिंग ऑफ द हार्ट सिस्टम। हार्ट जो आपका है यहाँ पे, याद रखिएगा जब भी आप आपके हार्ट की बात करते हो, ह्यूमन हार्ट या मैं कहूंगा मेजॉरिटी ऑफ द वर्टिब्रेट्स के अंदर जब आप बात करते हो हार्ट के बारे में, सो हार्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मायोजेनिक। हार्ट जो आपका रहता है यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी मायोजेनिक। अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मायोजेनिक का मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि आपका हार्ट खुद से नर्व इम्पल्स जनरेट कर सकता है। हार्ट को काम करने के लिए कोई ब्रेन से इंफॉर्मेशन लाने की जरूरत नहीं है। ब्रेन जाके हार्ट को नहीं बोलता कि आपको बीट करना है। याद रखिएगा आपका हार्ट एक मिनट के अंदर 72 टाइम्स बीट करेगा। आपका हार्ट एक मिनट के अंदर इट बीट्स 72 टाइम्स, यू विल हैव अ 72 बीट्स पर मिनट। अब ये जो हार्ट आपका बीट कर रहा है तो इसको सिग्नल कहां से मिल रही है? खुद जनरेट कर रहा है। आपका हार्ट खुद से सिग्नल जनरेट करता है और उसके वजह से इट विल कीप ऑन बीटिंग ऑल द टाइम। सो ये 72 बीट्स आपके करता है एक मिनट के अंदर। तो याद रखना इसको सिग्नल ब्रेन से नहीं आ रहा, ब्रेन आके से नहीं कर रहा हार्ट को कि आपको बीट करना है, आपको काम करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। आपका हार्ट खुद से ही आपका नर्व इम्पल्स जनरेट करता है। सो हार्ट इज गोइंग टू बी मायोजेनिक। ये खुद से ही अपना लाइक बीटिंग को, अपने रिदमिक हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकता है राइट। इसको किसी की आउट, किसी न्यूरो सिस्टम या नर्व्स की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं हार्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज मायोजेनिक। याद रखना हमारा जो हार्ट होता है इज गोइंग टू बी मायोजेनिक। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे हम दो टर्म्स को समझते हैं, यू हैव अ टर्म लाइक मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक। सो न्यूरोजेनिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है देख लेते हैं। न्यूरोजेनिक मीन हार्ट बीट इज एंटायरली कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम या नर्व्स आपके जो होते हैं वो आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। हार्ट बीट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मस्कुलर टिश्यू, सच हार्ट इज कॉल्ड एज माय मायोजेनिक हार्ट। तो ये आपकी जो नर्व इंपल्स आपकी आ रही है हार्ट बीट के लिए वो हार्ट से ही जनरेट हो रही है। ओके, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज माय मायोजेनिक हार्ट। ये खुद की ही नर्व इंपल्स जनरेट करता है, इसलिए हम इसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं, इट इज ऑटो एक्साइटेबल। ये खुद से ही अपने आपको लाइक नर्व इंपल्स जनरेट करके बीट कराता है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ ऑटो एक्साइटेबल राइट। याद रखना यू हैव अ न्यूरोजेनिक हार्ट आपको मिलेगा आपके आर्थ्रोपोड्स और एनालिट्स के अंदर, मॉल्यूस्का एंड वर्टिब्रेट्स आर गोइंग टू हैव अ मायोजेनिक हार्ट। इन सब के अंदर आपको मायोजेनिक हार्ट मिलता है देखने के लिए। सो जब भी आपके सामने टर्म आएगा मायोजेनिक हार्ट, याद रखना हार्ट जनरेट इट्स ओन नर्व इम्पल्स, ये बात आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यार हार्ट अपना नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट करता है और कैसे ये आपका नर्व इम्पल्स अपना काम करता है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ी सी चीज समझते हैं। Let's talk about the heart now. अब थोड़ा सा हम यहाँ पे हार्ट को एक थोड़ा सा एक डायग्राम बना के यहाँ पे देखते हैं। So assume that these are my artery. ये मेरे यहाँ पे artery है, and then you have the ventricles. You have the ventricles over here. So ventricles हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, so assume that these are my ventricles over here. अब जब भी आप यहाँ पे बात करते हो अपने हार्ट की, तो यू नो ऑल दिस चेंबर्स, आपको ये सारे चेंबर्स मालूम है। यू हैव अ राइट आर्ट्रियम,
you have a right ventricle. You have a left atrium. You have a left ventricle. राइट right? अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि आपका हार्ट के अंदर एक न्यूरोमस्कुलर टिश्यू होता है. आपके हार्ट के अंदर एक न्यूरोमस्कुलर टिश्यू होगा और ये टिश्यू आपको मिलेगा समवेयर ओवर हेयर. सो समवेयर ओवर हेयर यू विल हैव अ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू इन द हार्ट एंड दिस न्यूरोमस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड एज माय एसए नोड. तो ये जो मेरा टिश्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एसए नोड. ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एसए नोड. ये मेरा एक न्यूरोमस्कुलर टिश्यू है और यहां से आपका नर्व इंपल्स जनरेट करता है. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यार हार्ट के अंदर नर्व इंपल्स जनरेट करने वाला टिश्यू कहाँ पे होता है, तो आपने बोलना है इन द अपर राइट आर्ट्रियम. राइट आर्ट्रियम में वो भी अपर साइड पे. सो राइट आर्ट्रियम के वो भी राइट साइड पे अगर आप बोलोगे तब भी चलेगा. सो राइट आर्ट्रियम के राइट साइड पे ऑन द अपर साइड यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ एसए नोड. वहां पे आपको मिलेगा आप यहाँ पे एसए नोड. और एसए नोड का काम होता है नर्व इंपल्स जनरेट करना. एसए नोड का आपको यहाँ पे काम होगा कि आपका नर्व इंपल्स ये जनरेट करेगा. ठीक है, याद रखना ये जो एसए नोड आपके यहाँ पे है इट इज माय न्यूरोमस्कुलर टिश्यू. दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड, इट कैन बी कॉल्ड एज माय न्यूरोमस्कुलर टिश्यू. न्यूरोमस्कुलर टिश्यू. अब ये न्यूरोमस्कुलर टिश्यू आपके सामने है यहाँ पे, दिस टिश्यू यू हैव ओवर हियर, यही आपका नर्व इंपल्स यहाँ पे आपके जनरेट करता है. तो एक तो आपको ये याद रखना है. इसको आप इवन कहते हो एज अ पेसमेकर. याद रखना ये जो एसए नोड यहाँ पे आपका बना के रखा हुआ मैंने आपका यहाँ पे, इसको आप इवन कहते हो एज अ पेसमेकर. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज माय एक्सक्यूज मी. एंड दिस आल्सो कॉल्ड एज अ पेसमेकर. इसको पेसमेकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेस को मेंटेन करता है. हर एक मिनट में आपके 100 टाइम्स आपका हार्ट बीट करेगा, उस रिदम को ये मेंटेन करता है, उस रिदम को ये हमेशा मेंटेन रखेगा. दैट रिदम इज मेंटेन बाय माय एसए नोड. ये बचपन से लेके आपके डेथ होने तक ये इस तरीके से आपका काम करता है. सो दैट इज माय पेसमेकर एसए नोड. तो ये बात आपको याद रखनी है. यहां से मेरा नर्व इंपल्स जनरेट होगा. एक और न्यूरोमस्कुलर टिश्यू आपको मिलेगा यहाँ पे. देयर इज वन मोर टिश्यू यू विल फाइंड ओवर देयर एंड दैट टिश्यू इज लोकेटेड. वो टिश्यू आपको मिलेगा इस एरिया के अंदर. देयर इज वन मोर टिश्यू यू विल फाइंड. वो भी आपको राइट आर्ट्रियम के अंदर ही मिलता है. वो भी आपको राइट आर्ट्रियम में मिलता है बट ऑन द लोअर साइड. सो राइट आर्ट्रियम के लोअर साइड पे आपको एक और टिश्यू यहाँ पे मिल जाएगा एंड दैट टिश्यू ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एवी नोड. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एवी नोड. दिस इज कॉल्ड एज माय एवी नोड. इसको हम इवन कहते हैं एज अ आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. आर्ट्रियो वेंट्रिक्यूलर वेंट्रिक्यूलर नोड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माय आर्ट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड. याद रखना ये जो मेरा एवी नोड यहाँ पे मेरा है, ये एवी नोड को मैं इवन यहाँ पे कहता हूँ एज अ पेस सेटर. इसको आप इवन यहाँ पे बुलाते हो एज अ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेस सेटर. इसको इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ पेस सेटर. ठीक है, तो याद रखना यू हैव लाइक टू टिश्यूज ओवर हियर. एक है आपका एसए नोड, एक है आपका एवी नोड. अगर आपसे कोई पूछता है कि नर्व इंपल्स जनरेट कहाँ पे होता है, तो आपने आंसर देना है एसए नोड के अंदर. एसए नोड से नर्व इंपल्स जनरेट करेगा और वो फिर जाएगा आपके एवी नोड तक. फिर क्या होता है वो हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं. बट पहले आपको इतनी चीज याद रखनी है कि जो न्यूरोमस्कुलर टिश्यू है जहां से आपका नर्व इंपल्स जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज माय एसए नोड. इसको हम इवन कहते हैं एज अ पेसमेकर. और अगर आपसे कोई इसकी लोकेशन पूछे तो याद रखना राइट आर्ट्रियम के अपर साइड पे. राइट आर्ट्रियम के अपर साइड पे आपको मिलेगा आपका देखने के लिए आपके यहाँ पे एसए नोड. ठीक है, एंड जो आपका एवी नोड है, एवी नोड आपको मिल जाएगा राइट आर्ट्रियम के लोअर साइड पे. ऑन द लोअर साइड ऑफ द राइट आर्ट्रियम यू हैव द एवी नोड. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ माई न्यूरोमस्कुलर टिश्यू. तो पहले ये बताओ क्या इतनी वाली कहानी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ से आपका नर्व इंपल्स निकलेगा और यहाँ से आपका नर्व इंपल्स निकल के जाएगा आपके एवी नोड के पास. यहाँ से आपका नर्व इंपल्स निकलेगा एंड देन इट विल रीच टुवर्ड्स द एवी नोड.
राइट। अब एवी नोड क्या करता है यहाँ पे, एवी नोड का काम होता है इस नर्व इंपल्स को वेंट्रिकल्स तक पहुंचाना। याद रखना, एवी नोड का काम होता है कि इस नर्व इंपल्स को वेंट्रिकल्स तक पहुंचाना, ताकि दोनों वेंट्रिकल्स तक आपका ये नर्व इंपल्स पहुंच सके। याद रखना, ये जो नर्व इंपल्स आप बना रहे हो, इसके वजह से ही आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसके वजह से ही आपका हार्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होते हुए आपको मिलेगा। तो आपका नर्व इंपल्स ऐसे नोड से चालू हुआ, एवी नोड तक गया। एवी नोड पे जाने के बाद व्हाट विल हैपन, एवी नोड से क्या होगा, यू विल फाइंड, आप अगर इस पिक्चर को देखोगे तो एवी नोड तक यहाँ पे आप पहुंच गए, ये ब्लू वाला आपका एवी नोड है। एवी नोड क्या करेगा, इट विल मेक सम न्यू फाइबर्स, यहाँ पे वो दो फाइबर्स बनाएगा, इट विल मेक, इट विल लीड टू सम फाइबर्स, और एवी नोड से नर्व इंपल्स जाएगा कुछ फाइबर्स के पास, और उन फाइबर्स का नाम यहाँ पे आपका होता है बंडल ऑफ हेयर्स। सो लेट मी राइट इट डाउन, उन फाइबर्स का यहाँ पे नाम आपका होगा यहाँ पे बंडल ऑफ हेयर्स। सो याद रखना, आपके ऐसे नोड से आपका नर्व इंपल्स जाता है आपके बंडल ऑफ हेयर्स के पास, दे आर नथिंग बट सम फाइबर्स, ये कुछ ऐसे पाइपलाइन होती है जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फाइबर्स, देन दीज आर कॉल्ड एज बंडल ऑफ हेयर्स, राइट। अब बंडल ऑफ हेयर्स क्या करती है, बंडल ऑफ हेयर्स क्या करेगी, वो बायफर्केट करेगी, ये अलग अलग हो जाएंगी। सो बंडल ऑफ हेयर्स विल गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, बंडल ऑफ हेयर्स क्या करेगा, इट विल मेक अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, एंड दोस नेटवर्क ऑफ फाइबर विल गो इनटू द वेंट्रिकल्स, दिस नेटवर्क ऑफ फाइबर्स विल नाउ गेट इनसाइड द वेंट्रिकल्स, और ये जो नेटवर्क ऑफ फाइबर्स है जो आपके वेंट्रिकल्स के अंदर तक पहुंच रहे हैं, डेप्थ तक पहुंच रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज माई पर्किंजिन फाइबर्स, दीज फाइबर्स ओवर हियर आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज माई पर्किंजिन फाइबर्स, पर्किंजिन फाइबर्स। तो बेसिकली ये जो आपके पर्किंजिन फाइबर्स हैं, ये आपके नर्व इंपल्स को पहुंचा रहे हैं आपके वेंट्रिकल्स तक। तो इसका पता है इनका काम क्या होता है, इनके थ्रू ये आप ये समझो कि ये वो आपकी वायरिंग है, ये आपकी वो वायर है जिसके थ्रू आप अपने इलेक्ट्रिक करंट को पहुंचा रहे आपके वेंट्रिकल्स तक। जैसे ही आपके वेंट्रिकल्स तक आपका इलेक्ट्रिक करंट पहुंच गया, आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, आपके वेंट्रिकल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, विल फाइंड सडनली द वेंट्रिकल विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, और वहां पे आपका ब्लड आपका जाएगा इधर टुवर्ड्स द राइट आरटीएम, सॉरी इधर टुवर्ड्स द लंग्स और टुवर्ड्स द थ्रू द बॉडी। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, आपका नर्व इंपल्स कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है, इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम द एसए नोड, एसए नोड से चालू करेगा, देन जाएगा एवी नोड के पास, एवी नोड क्या करेगा, उस नर्व इंपल्स को वाया बंडल ऑफ हेयर्स उसको लेके जाएगा इनटू द पर्किंजिन फाइबर, और पर्किंजिन फाइबर क्या करते हैं, इस नर्व इंपल्स को अल्टीमेटली पहुंचाते हैं आपके इनटू द वेंट्रिकल्स तक, एंड देन आपका वेंट्रिकल तुरंत आपको वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड दैट इज व्हेन द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर वो सीक्वेंस ही पूछ लेते हैं, इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम एसए, एवी नोड, बंडल ऑफ हेयर्स एंड देन द पर्किंजिन फाइबर। बहुत ही सिंपल सीक्वेंस है, कुछ ज्यादा इसके अंदर बहुत लाइक टफ नहीं है, बट ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है, इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir. So that is something you should know. Now, अब यहाँ पे क्या होता है? अब आप थोड़ा यहाँ पे सोचो, try to think in this way. Imagine करो कि एक case है आपके सामने, एक individual है, उसका SA node काम नहीं कर रहा, उसका SA node सही से काम नहीं कर रहा। आप मुझे hand raise करके बताओ कि अगर किसी का SA node काम नहीं कर रहा तो क्या दिक्कत आपको वहां पे आ सकती है? काम कर रहा है लेकिन सही से काम नहीं कर रहा, देन आपको वहां पे क्या देखने के लिए आपको मिल सकता है? प्लीज raise your hand and try to tell me. बताइए प्रिया, क्या हो सकता है उसमें दिक्कत, व्हाट इज व्हाट कैन हैपन ओवर देयर, बताइए। सो जो इंपल्स है वो आगे आगे नहीं जा पाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ प्रिया कि जो आपका केस है, जो आपका इंडिविजुअल है, वहां पे ऐसे नोट से इंपल्स बन रहा है लेकिन 72 नहीं बन रहा, थोड़ा कम बन रहा है, 50 बन रहा है, 30 बन रहा है एक मिनट के अंदर, तो प्रिया आप बताइए अब क्या होगा, अब आप बताइए आपका डायग्नोसिस क्या होगा, यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी इससे? नॉर्मली हर मिनट में 72 टाइम्स इंपल्स निकलना चाहिए था, समझो ना, 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट करता है, 72 टाइम्स वहां से एक नर्व इंपल्स निकलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ प्रिया आपसे कि 30 टाइम्स निकल जाए एक मिनट के अंदर, आप बताइए आप क्या इससे लाइक डायग्नोसिस लगा सकते हो कि क्या हो सकता है अभी यहाँ पे बॉडी के अंदर? एनीवन एल्स, और कोई? मोनिका आप बताइए क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है इस कंडीशन के अंदर? सर उसको ऑक्सीजन वगैरह लेने में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में प्रॉब्लम होगी, तो क्योंकि अगर अच्छे से नहीं बन पाएगा तो वो अच्छी तरह से वो मतलब इफेक्टिवली नहीं बन पाएगा ना आगे जाके, तो वो स्लोली स्लोली वर्क करेगा, तो उसको जो इंसान होगा उसको रेस्पिरेशन वगैरह में भी वो जाएगी, दिक्कत होगी, और उसके हार्ट बीट भी थोड़ी स्लो हो जाएगी, तो हार्ट बीट अगर रुक गई तो फिर वो मरने के भी उसके चांसेस हैं।
ठीक है, हार्ट रेट उसकी स्लो है। ठीक है, आपने काफी अच्छे से काफी चीजें एक्सप्लेन की। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें आपकी बिल्कुल सही सही यहाँ पे, कि अगर आपका हार्ट रेट स्लो हो जाता है, अगर आपकी यहाँ पे अगर आपका हार्ट बीट कम हो जाता है, तो आप सोचिए कि आपका ब्लड सप्लाई भी आपके टिश्यू तक उतना नहीं हो पाएगा। ब्लड सप्लाई भी आपका टिश्यू तक जितना होना चाहिए था एक मिनट के अंदर उतना हो नहीं पाएगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई भी वहां पे कम पहुंचेगा। और अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम पहुंच रहा है, देन यू विल हैव सम कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर। श्योरली आपके कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन, फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपके ब्रेन के अंदर इतना अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं, आपके मेजर ऑर्गन्स लिवर किडनी तक ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं। सो यू विल फाइंड इश्यूज विल बी सीन थ्रू आउट द बॉडी, आपको इश्यूज देखने के लिए वहां पर मिल सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, कैसा होता है आपको देखने के लिए मिलता है, कुछ लोगों के अंदर ऐसे नोड सही से काम नहीं करता। अगर आपका ऐसे नोड सही से काम ना करें, देन दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, वो आपके लिए कंसर्न बन सकता है। ठीक है, चलो वो सब तो ठीक है। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज इट थिंग क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, अब मेरे बात ध्यान से सुनना है यहाँ पे। अगर आपका एसेनोड काम नहीं कर रहा, इफ यू हैव अ कंडीशन जहां पे आपका एसेनोड काम नहीं कर रहा, वैसे एसेनोड का एक और नाम क्या था? एसेनोड को हम क्या बोलते थे? पेसमेकर। राइट, पेसमेकर। हां जी, सो अगर लेट्स अज्यूम दैट यू हैव अ नॉन फंक्शनल एसेनोड, यू हैव अ नॉन फंक्शनल एसेनोड, आपका एसेनोड यहां पे आपका काम नहीं कर रहा। अज्यूम कर लेते कि आपका एसेनोड यहां पे आपका काम नहीं कर रहा। अगर आपका एसेनोड यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे ध्यान से, कि इस कंडीशन में यू हैव टू गो फॉर अ सर्जरी, और उस पर्सन के अंदर फिर हम लोग लगाएंगे वहां पे आर्टिफिशियल पेसमेकर। अगर आपको एक केस मिलता है जिसके अंदर एसेनोड सही से काम नहीं कर रहा, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? यू कैन गो फॉर द आर्टिफिशियल पेसमेकर, आप लगाते हो आर्टिफिशियल पेसमेकर आपका लगाया जाता है। ठीक है, उस इंडिविजुअल में याद रखना, यू हैव टू इंस्टॉल आर्टिफिशियल पेसमेकर। अगर आप आर्टिफिशियल पेसमेकर अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो, सो दैट विल बी केप्ट इन द अपर पार्ट ऑफ द, वहां पे जहां पे एसेनोड था वहां पे आप आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देते हो। याद रखना जहां पे एसेनोड होता है, सो आई कैन ऑब्वियसली ये मैं कहां पे लगाऊंगा, इन द अपर राइट साइड ऑफ राइट आर्ट्रियम। ठीक है, अब जब मैं वहां पे लगाता हूं, मेरा आर्टिफिशियल पेसमेकर, तो उसका फायदा क्या होता है कि वो हर लाइक टाइम टू टाइम वो आपका नर्व इंपल्स जनरेट करेगा। सो उसका काम ही होता है, वो एक बैटरी होती है बेसिकली, इट्स अ लिथियम बैटरी वहां पे होती है, और उसका काम वहां पे ये होता है कि वो हर मिनट के अंदर 72 बीट्स आपकी जनरेट करेगी। सो वो कई बार लोगों में लगाना पड़ता है, कई बार ये आपको करना पड़ता है अगर आपका एसेनोड काम नहीं कर रहा। तो ये बात याद रखना, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है। इफ यू हैव अ नॉन फंक्शनल एसेनोड, देन यू विल फाइंड दिस हैज टू बी इंस्टॉल्ड इन योर हार्ट, ये आपको हार्ट के अंदर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखने, दिस शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू। राइट, तो ये बात आपने यहाँ पे देख ली, इसको हम यहाँ पे फटाफट पढ़ लेते हैं। द एंटायर हार्ट मेड इज ऑफ कार्डियक मसल, द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द आर्टरी बिकॉज ऑफ द वेंट्रिकल्स हैव टू सप्लाई ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हम जानते हैं वेंट्रिकल का वॉल काफी ज्यादा थिक होता है कंपेयर टू द आर्टरी। अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। Excuse me. A patch of this tissue is present in the upper right corner of the heart, and that is called as my sinoatrial node. Sinoatrial node, जो हमने देखा था, ऐसे node वो हमने यहाँ पे देख लिखा हुआ है. Then, another mass of tissue is seen in the lower left corner of the right atrium, and that is called as my atrioventricular node. तो जो चीज हमने पढ़ी है, वही चीज आपके यहाँ पे लिखी हुई है. And then you find atrioventricular node से, that will go towards the bundle of Hills. And then bundle of his say it will go into the Purkinje fiber, which are nothing but my network of fiber. These are my network of fibers. These are nothing but my network of fibers, जिनके through आप अपने नर्व इंपल्स को पहुंचाते हो towards the ventricles. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, right? चलिए आगे देखते हैं. तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया, वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स, वी हैव एसए नोड, वी हैव एबी नोड, हमने लोकेशन देख लिया यहाँ पे अपना, वी हैव सीन ये कहाँ से आ रहा है, वी हैव आल्सो सीन द बंडल ऑफ हिस यहाँ पे, एंड देन दे आर ब्रांचिंग आउट इनटू योर परकिंजे फाइबर्स, जो अल्टीमेटली आपके यहाँ पे जाके दे विल मेक यू, दे विल सप्लाई द नर्व इंपल्स।
ठीक है। तो इतनी चीज हमने यहाँ पे देख ली, और इतनी ही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और हार्ट आपका इस तरीके से आपका नर्व इम्पल्स जनरेट करता है, सो यहाँ से आपका नर्व इम्पल्स आ रहा है एंड दैट इज हाउ इट इज बीन कैरिड आउट। तो ये याद रखना। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे ही ऐसे नोड नर्व इम्पल्स जनरेट करता है, जैसे ही ऐसे नोड नर्व इम्पल्स जनरेट करता है, आपके दोनों आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपके दोनों आर्ट्रिया आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये बात भी याद रख लो। ठीक है, जैसे ही आपका ऐसे नोड आपका नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा, याद रखना वो टाइम पे क्या होगा, बोथ द आर्ट्रिया विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं कह रहा हूं कि दोनों आर्ट्रिया मेरे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या टर्म यूज कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन यूज द टर्म ओवर हियर? हाँ जी, आर्ट्रियल सिस्टोल, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे मेरा आर्ट्रियल सिस्टोल मेरा यहाँ पे हो जाएगा। सो जैसे ही मेरा ऐसे नोड से नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, याद रखना व्हाट विल हैपन, मेरे आर्ट्रिया दोनों मेरे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, बोथ द आर्ट्रिया विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर आपका नर्व इम्पल्स एवी तक पहुंचता है, एवी नोड तक, फिर वहां से वो जाता है आपका टूअर्स द वेंट्रिकल्स, और जब वो वेंट्रिकल्स तक पहुंचेगा देन यू विल फाइंड द वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका यहाँ पे होगा। तो इस पॉइंट पे आपके दोनों आर्ट्रिया आपके सिस्टोल कर जाते हैं। याद रखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ राइट कर रहा है, दोनों कर रहे हैं, बोथ द आर्ट्रिया विल अंडरगो द सिस्टोल, राइट। और इस पॉइंट पे जब आपका नर्व इम्पल पहुंच जाएगा वेंट्रिकल्स तक, तो दिस पॉइंट पे आई विल बी हैविंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इस पॉइंट पे आई विल हैव द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, राइट। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोग खुद की हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो? नो सर, नहीं कर सकते। ऐसा कर सकते हो क्या तुम लोग की? अभी मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 60 बीट करें, यार तुम ऐसा कर सकते? अभी मैं चाहता हूँ किसी को 78 टाइम बीट करें, नहीं कर सकते तुम लोग, मतलब देख लो आप में से कोई हो तो बता देना, अगर कोई है जो हार्ट बीट कंट्रोल कर सकता है खुद की, नहीं कर सकते, ठीक है, राइट। आप किसी की हार्ट बीट बढ़ा सकते हो? कैन यू इंक्रीज समवनस हार्ट बीट? नहीं कर सकते। यस सर, कैसे कर सकते? जो यस करे वो बताया कि कैसे कर सकते हैं, बताइए। डरा के कर सकते हो, राइट। सो यस, आपके फ्रेंड या रिलेटिव के सामने आप एक पाइथन जाकर रख दो, तो देखिए फिर हार्ट बीट वहां पे बढ़ जाएगी सडनली, यू विल फाइंड क्योंकि हार्ट बीट तुरंत बढ़ जाती है, राइट। या बच्चों के हाथ में लाइक कुछ भी ऐसे एनिमल जाकर आप रख दो, उससे तो हार्ट बीट इतनी बढ़ेगी नहीं, बट यहाँ किसी को सही से डरा। या फिर अगर आप देखो, इवन आप भी बढ़ सकती है, अगर आपके सामने भालू आ जाता है, सडनली अगर आपके सामने भालू आता है, देन सिंपल सी बात है आपकी हार्ट बीट 72 नहीं रहेगी। प्लीज अंडरस्टैंड, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपकी हार्ट बीट 72 नहीं रहेगी, वो आपकी बढ़ेगी, दैट विल इवेंचुअली हैपन, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी हैपनिंग टू योर बॉडी एंड आपकी हार्ट बीट सडनली आपकी शूट करती है। तो याद रखना, हाँ, ऐसी कंडीशन में आपका हार्ट बीट बढ़ सकता है। हाँ जी कृतिका, बताइए। सर, अगर हम भागेंगे तो भी हमारी हार्ट बीट बढ़ सकती है? हाँ कृतिका, बिल्कुल सी बात, अगर आप भागोगे, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो भी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो यस, आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है कुछ कंडीशन के अंदर, राइट। फियर के अंदर बढ़ सकती है, इमरजेंसी वाली स्टेट में बढ़ सकती है, राइट। सो और अगर आप भागम दौड़ी कर रहे हो तभी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली तो अगर आप ऐसे बैठे हुए हो एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव अ वेरी नॉर्मल हार्ट बीट, राइट। लेकिन कुछ कंडीशन में आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि हार्ट अपनी हार्ट बीट खुद जनरेट करता है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ हार्ट बीट आप इंक्रीज कर सकते हो। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं, नॉलेज स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, सो ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। द राइट एंड लेफ्ट बंडल, दिस राइट एंड लेफ्ट बंडल विद द एवी बंडल्स आर नोन एज माय बंडल ऑफ हिज, यहाँ पे निकलते हैं। दिस फाइबर अलॉन्ग विद द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस आर कॉल्ड एज माय पर्किंजिन फाइबर्स, ठीक है। तो ये हमने जो लिखा वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल एंड नॉर्मली 70 to 75 टाइम्स के बीच में आपको जनरली आपको यहाँ पे हार्ट बीट होते हुए आपको मिलेगा। अब हम यहाँ पे कुछ और समझते हैं, ये तो हमारे क्वेश्चन से जो हम देख चुके हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, आपके हार्ट बीट को आप कैसे रेगुलेट करते हो या कैसे आपका हार्ट बीट को रेगुलेट किया जाता है। याद रखना, दिमाग में बिठा लो, आपके कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए ब्रेन में एक पार्ट होता है, ब्रेन में एक पार्ट होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं आप एज अ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लो, दैट विद इन योर ब्रेन यू हैव दिस पार्ट कॉल्ड एज माय मेड्यूला ऑब्लोंगेटा,
मेडुला ओब्लोंगेटा, और इसका काम होता है आपका, दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन जो आपके कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जो आपके कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा. कंट्रोल करेगा मतलब ये होता है कि अगर हार्ट बीट बढ़ाना हो तो ये आपकी मदद कर सकता है, और अगर हार्ट बीट को कम भी करना हो तो भी आपकी ये मदद कर सकता है. ठीक है, सो हार्ट बीट को बढ़ाना और कम करना को कंट्रोल करने का यहाँ पे काम होता है आपके यहाँ पे मेडुला ओब्लोंगेटा का. सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये आपको यहाँ पे ऐड करना है, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट. सो दैट इज माय मेडुला ओब्लोंगेटा, एंड नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि यहाँ पे करता क्या है, व्हाट इट इज एक्चुअली गोइंग टू डू. ठीक है, अच्छा एक चीज आपको बताऊंगा, हार्ट को तो ये कंट्रोल कर ही रहा है, उसके साथ साथ आपके ब्रीदिंग को भी ये कंट्रोल करता है. अगर आपको याद हो तो याद है लास्ट टाइम हमने देखा था मेडुला ओब्लोंगेटा विल हैव अ डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप देन वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ब्रीदिंग को भी कंट्रोल कर रहा था. वही है आपका स्ट्रक्चर जो आपका हार्ट को भी यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है. अब याद रखना हार्ट की जो बीटिंग है वो आपके कंट्रोल में नहीं है. काफी ज्यादा चीजें होती है बेटा जो आपके कंट्रोल में नहीं होती. एक बात ध्यान से सुनो यहाँ पे कि काफी ज्यादा चीजें होती है बॉडी के अंदर जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर आप खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद आपका कितना एंजाइम पेट के अंदर आएगा, कब आएगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो सब अपने आप होता है, राइट. दैट इज ऑल हैपनिंग ऑल बाय इटसेल्फ. आपका खाना इंटेस्टाइन से नीचे जब जा रहा होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, इट इज ऑल हैपनिंग बाय इटसेल्फ, राइट. तो जो भी बॉडी के अंदर चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट, जो भी बॉडी के अंदर चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको कौन कंट्रोल करता है या उनको कौन सा सिस्टम कंट्रोल करता है. तो याद रखना यू हैव समथिंग लाइक माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यू हैव समथिंग लाइक योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आप सिंपल तरीके से इस तरीके से याद रखो कि आपके नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कंट्रोल करता है आपके इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को. ये कंट्रोल करता है आपके यहाँ पे इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को, दिस इज गोइंग टू कंट्रोल, ये आपके कंट्रोल करेगा आपके इनवॉलेंटरी एक्टिविटी को, इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज जो आपकी होती है यहाँ पे, एक्टिविटीज होती है जो आपके यहाँ पे, उसको आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, डाइजेशन हो गया, यूरिन फॉर्मेशन आपका हो गया, राइट, देन आपका हार्ट बीट हो गया, इसको भी यहाँ से आपको कंट्रोल किया जा सकता है. इवन दैट कैन बी कंट्रोल ओवर हियर, हार्ट बीट बढ़ाना डिक्रीज करना, दैट ऑल इज बीन कंट्रोल्ड बाय माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, क्या आपको ये टर्म समझ आ रहा है मेरा यहाँ पे, इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये टर्म समझ आ रहा है आपको यहाँ पे? यस सर, यस सर. ठीक है, ये इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज क्या होती है ये भी आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जैसे आपके यहाँ पे हार्ट बीट हो गया, राइट, दैट इज ऑल्सो इनवॉलेंटरी एक्टिविटी, इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपकी खुद की हार्ट बीट होगी, योर हार्ट बीट इटसेल्फ इज अ इनवॉलेंटरी एक्टिविटी. देन मैं कह सकता हूँ आपके यहाँ पे सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स आपके पेट में, जो भी आपके एंजाइम्स आ रहे होते हैं खाना खाने के बाद, उनको आप कंट्रोल नहीं करते. एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ, सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन सिक्रीशन, राइट, आपके जो भी हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है आपके बॉडी के अंदर, उसको भी आप कंट्रोल नहीं करते हैं. आप ऐसा तो नहीं होता ना कि आप गुलाब जामुन खाने के बाद कह रहे होते हो कि अब इंसुलिन आएगा, नाउ यू टेल योर पैंक्रियास टू रिलीज द इंसुलिन, वो आपका अपने आप आता है. सो इन द हार्मोन सिक्रीशन, सो एवरीथिंग इज बीन कंट्रोल्ड बाय दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, ये इन सब चीजों को कंट्रोल करता है. अब याद रखना इसमें दो पार्ट होते हैं, इन दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके दो कंपोनेंट आपके इसके अंदर आते हैं. एक होता है सिंपेथेटिक, एक होता है आपका सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट, वन इज कॉल्ड माय सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, लेट्स राइट एनएस ओवर हियर, और एक होता है आपका यहाँ पे पैरासिंपेथेटिक, एक होता है आपका यहाँ पे पैरा सिंपेथेटिक. ठीक है, so I have a sympathetic and a parasympathetic nervous system, so I'll just write NS over here short में. अब मेरी बात ध्यान से याद रखना, और ये आपको हमेशा याद रखनी है, ये इसी चैप्टर में और आगे वाले चैप्टर में भी आपकी मदद करेगा. सी, अगर आप स्कूल जा रहे हो रोड से, और अगर आपके सामने समझ लो कि लेपर्ड आ गया, राइट, तो वो टाइम पे आपका सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव होता है.
दिस सिंपथेटिक नर्व सिस्टम और उसमें जितने भी आपकी नर्व्स आएंगी दे विल बिकम एक्टिव. जैसे ही आपकी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव होगा तो वो ये क्या करेगा, ये सिग्नल भेजेगा आपके मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से आपके हार्ट की तरफ एंड देन यू विल फाइंड देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द हार्ट रेट. तो ये आपका क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द हार्ट रेट, ये आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा. तो अगर आपके सामने तेंदुआ आ गया, भालू आ गया, कोई भी अगर वाइल्ड एनिमल आ गया, राइट, सो व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड दिस इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द हार्ट रेट. और वो हार्ट रेट क्यों इंक्रीज किया जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ माय सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपथेटिक नर्व्स. ये जो नर्व्स होती है बेटा, ये नर्व्स आपके हार्ट तक जा रही होती है. और ये कहां से आ रही होती है, इट इज कमिंग फ्रॉम द मिडुला ऑब्लॉन्गेटा. ये मिडुला ऑब्लॉन्गेटा से आपकी आ रही है, ये हार्ट तक जाएंगी और हार्ट को जाके बोलेगी कि हार्ट बीट आप इंक्रीज कर लो, यू इंक्रीज द हार्ट बीट. तो जो आपकी हार्ट बीट हो रही है 72 टाइम्स पर मिनट, वो सडनली आपकी चली जाती है 100, 110, 120 तक आपकी चली जाती है. दैट इज समथिंग विल फाइंड हैपनिंग, राइट. एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे दे सकता हूँ. आप लोग हिमाचल से हो, आपने देखा होगा, यू हैव दिस लोकेशन इन द हिमाचल, बीर बिलिंग करके, राइट, जो जाना जाता है पैराग्लाइडिंग के लिए. क्या आपने सुना है, यू मस्ट हैव हर्ड ना, जो लोग मंडी से है, बरोड से है, बीर बिलिंग में, यू हैव दिस प्लेस जहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग करते हो, राइट, एंड यू हैव द नंबर ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट. तो अगर आप कोई अगर आप वैसे भी अगर एक्टिविटी कर रहे हो तो वो टाइम पे भी आपका हार्ट बीट बहुत ऊपर तक जाता है, 120, 130 तक आपका वो जाएगा. तो ये हार्ट बीट को इंक्रीज कौन कर रहा है, तो आपको रखना है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, या सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम आप बोलो, या फिर आप बोलो सिंपथेटिक नर्व्स जो आपकी होती है, ये आपकी आ रही होती है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से हार्ट के अंदर, एंड दे कैन इंक्रीज द हार्ट रेट. इनका काम होता है आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करना. सो जो आपका हार्ट रेट आपका 70 से 75 था, वो आपका 100, 110 आपका आराम से चला जाता है, इट विल गो टू वेरी हाई रेट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है. अब आप मुझे बताओ, अगर आपका हार्ट रेट बढ़ेगा तो उसका फायदा क्या होगा. समझो आपके सामने भालू आ गया, आपकी बॉडी आपका हार्ट रेट बढ़ा रही है, उसका फायदा क्या है, अल्टीमेटली उसका फायदा क्या होता है, हैंड रेज करके बताना. प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी, अगर आपके सामने लाइक बेयर आता है, आप हैंड आपके अगर आपका हार्ट रेट बढ़ा है देन व्हाट इज द एडवांटेज ओवर हियर. मोनिका ने यहाँ पे हैंड रेज किया, एनीवन एल्स, मुस्कान हैज रेज्ड हर हैंड, ठीक है, एनीवन एल्स उसके अलावा. चलिए मुस्कान आप बताइए क्या फायदा होता है इस चीज का. सर बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन जल्दी मिलेगी. बिल्कुल सही, वेरी ट्रू. अगर आपके यहाँ पे हार्ट रेट अगर आपका बढ़ेगा यहाँ पे, तो आपका ब्लड सप्लाई भी जल्दी जल्दी होगा. अगर आपका ब्लड सप्लाई जल्दी जल्दी होगा तो आपके बॉडी पार्ट्स को भी ऑक्सीजन फटाफट आपका मिलना चालू होगा, एंड दैट इज समथिंग यू वांट टू डू. अगर आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो तो आपका ब्लड सप्लाई भी तुरंत आपका इंक्रीज होता है वहां पे, और उसके वजह से आपके सारे टिश्यूज को ऑक्सीजन फटाफट मिलेगा. और अगर आपको वहां से भागना है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, राइट, यू नीड टिश्यूज के पास ऑक्सीजन सो दैट दे कैन यूज देम एंड यू कैन रन फ्रॉम दैट साइड. तो ये काम होता है मेरे यहाँ पे सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का. बिल्कुल अपोजिट मेरा काम यहाँ पे रहेगा पैरासिंपथेटिक नर्व्स का. पैरासिंपथेटिक नर्व्स का काम यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है, दे आर नोन टू डिक्रीज द हार्ट रेट. इनका काम होता है टू डिक्रीज द हार्ट रेट, ध्यान टू डिक्रीज द हार्ट रेट. अब डिक्रीज द हार्ट रेट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ऐसा नहीं कि वो बहुत कम कर देंगी, लेकिन अगर हाई होगा तो उसे कम लेके आएंगी. अगर आपका हार्ट रेट काफी ज्यादा होता है तो वो टाइम पे ये इसको कम लाने का काम आपके होता है यहाँ पे पैरासिंपथेटिक नर्व्स का. सो पैरासिंपथेटिक नर्व्स आर नोन टू डिक्रीज द हार्ट रेट. इनका काम होता है आपके हार्ट रेट को नीचे लाने का. सो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, नीचे लाना मतलब नॉर्मल लेके आना जब भी आपका हार्ट रेट बढ़ेगा तब. सो इसका काम बिल्कुल अलग होता है. सो मैं कह सकता हूँ कि सिंपथेटिक नर्व्स आपको एक्साइटरी स्टेट में ला रही है, दे आर ब्रिंगिंग यू इन द एक्साइटरी स्टेट, एक्साइटरी स्टेट के अंदर ही आपको लेके आ रहे हैं, और पैरासिंपथेटिक नर्व्स आपको लेके आ रहे हैं आपके काम स्टेट के अंदर, आपको एकदम रिलैक्स स्टेट में आपको लेके आ रहे हैं. सो दे आर ब्रिंगिंग यू इन द काम स्टेट. तो ऐसे भी आप यहाँ पे फिलहाल के लिए आप याद रख सकते हो. सो सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक आप यहाँ पे याद रखना. क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर. सच्ची बताओ यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? यस सर. कोई भी अगर सवाल लेगा तो पूछ लेना, अगर कोई भी चीज समझ नहीं आ रही तो प्लीज इंटरप्रेट करके पूछ लो, या फिर आप बोल दो कि सर ये चीज रिपीट कर दो तो बता दो. इसमें से कोई चार पार्ट है जो रिपीट करना है तो बता दो आप जल्दी से यहाँ पे. हाँ जी स्नेहा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका. स्नेहा हैज रेज्ड हर हैंड, बताइए. स्नेहा आपका हैंड रेज्ड, पैरासिंपथेटिक एनर्जी बता दो भाई. कौन सा वाला? पैरासिंपथेटिक. हाँ, पैरासिंपथेटिक का काम क्या होता है? हाँ, पैरासिंपथेटिक का काम ये होता है, ये आपके बॉडी को रेस्टिंग स्टेट या काम स्टेट में लेके आता है. ये नर्व्स जो आपके होते हैं इनका काम होता है टू ब्रिंग यू इन द रेस्टिंग स्टेट और अ काम स्टेट, राइट.
तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप दौड़ के आते हो, अगर आप रनिंग करके आते हो, राइट, तो रनिंग करने के बाद एक्सरसाइज करने का आपका हार्ट रेट ज्यादा रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा आपका बढ़ा हुआ होगा, राइट. सो आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, जब आप रेस्ट करोगे, जब आप रुक जाते हो, तो वो टाइम पे आपका पैरासिम्पेथेटिक नर्व अपना काम चालू करता है. व्हाट द नर्व्स विल डू, ये अपना सिग्नल भेजेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा से, एंड दे विल टेल द हार्ट टू ब्रिंग योर हार्ट रेट डाउन. ये आपके हार्ट रेट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, दे ब्रिंग देम डाउन, कोशिश नहीं, उसे नीचे लेके आते हैं. तो आपको याद ये रखना है कि पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स का काम ये रहता है, ये आपको काम स्टेट में रखते हैं, या मैं कहूंगा ये आपके हार्ट रेट को नॉर्मल पोजिशन पे लेके आते हैं, नॉर्मल रेट पे ये लोग लेके आते हैं, राइट. ये जो दोनों नर्व्स है ना बेटा आपके, ये आपके आ रहे हैं, दे आर ऑल इंटरेक्टिंग, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट. ये आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्टेड है और इसके थ्रू ही ये नर्व्स आके अपना काम करते हैं. तो मेडुला ऑब्लोंगेटा बेसिकली आपके यहाँ पे कंट्रोल करता है कि कब आपको हार्ट रेट बढ़ाना और कब कम करना है. अगर आपको हार्ट रेट कम करना होगा, सो आपका पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स आपके यहाँ पे काम करेगा, दैट इज समथिंग इट विल डू, ठीक है. दे विल ब्रिंग योर हार्ट रेट डाउन एज पर द रिक्वायरमेंट, ओके. हाँ, ये मत सोचना कि ये बहुत नीचे लेके आता है, मतलब ऐसा मत सोचना कि 72 का नीचे लेके आएगा वो, वैसा नहीं होगा. आप ये कह सकते हो ये आपको काम स्टेट में रखता है, जो बहुत जरूरी भी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप हमेशा एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकते, वो एनर्जी, मतलब वो बॉडी के लिए काफी एक्सपेंसिव होता है. याद रखना, जब आपका सिंपैथेटिक नर्व्स आपकी एक्टिव होती है ना, तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही होती है, तो वो बहुत लंबे टाइम के लिए आप वैसे रह भी नहीं सकते हैं, राइट. सो यू हैव टू ब्रिंग द बॉडी इन द काम स्टेट, और वो लेके आता है मेरे यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व. इशिता, समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? इशिता, इज दिस क्लियर टू यू? यस सर. ठीक है, ऑल राइट देन, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमने यहाँ पे देख लिया, ये आपका ब्रेन का पार्ट है जो आपके कार्डियक एक्टिविटी यहाँ पे आपका कंट्रोल करेगा, राइट. अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, तो यहाँ पे आपका हो गया, दिस इज अ पार्ट ऑफ माय न्यूरल रेगुलेशन. इसको मैं इवन कह सकता हूँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ माय न्यूरल रेगुलेशन. सो ब्रेन का भी एक पार्ट है जो आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है रेगुलेशन के लिए. सो आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ न्यूरल रेगुलेशन. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ माय न्यूरल रेगुलेशन. एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, रेगुलेशन आपका यहाँ पे होता है, दैट इज कॉल्ड एज माय हार्मोनल रेगुलेशन. एक और रेगुलेशन आपको यहाँ पे होता है जिसे हम कहते हैं आपका एज अ हार्मोनल रेगुलेशन. अब इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे समझ लेते हैं. कुछ हार्मोन्स आपके होते हैं बेटा जो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ हार्मोन आपके यहाँ पे होते हैं जो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, हार्ट बीट को एकदम से इंक्रीज कर सकते हैं, राइट. उन दो हार्मोन्स का यहाँ पे आपका नाम होगा, एक आपका यहाँ पे होता है एड्रेनलिन, और दूसरे का नाम आपका यहाँ पे होगा नॉर एड्रेनलिन. याद रखना, ये जो दो आपके हार्मोन है, ये हार्मोन्स आपके आते हैं फ्रॉम द, लाइक यू विल फाइंड देम कमिंग फ्रॉम द किडनी. किडनी के अंदर ये हार्मोन्स को बनाया जाता है, राइट. किडनी में यू हैव अ ग्लैंड, नॉट इन किडनी, यू हैव अ ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड. ये जो दो हार्मोन्स मेरे, ये ग्लैंड में से आते हैं, उस ग्लैंड का नाम आपका यहाँ पे होता है एड्रेनल ग्लैंड. सो यू हैव अ ग्लैंड नोन एज माय एड्रेनल ग्लैंड, राइट. ये जो हार्मोन होते हैं, आप इतना फिलहाल याद रखो कि ये हार्मोन आपके यहाँ पे इंक्रीज हेल्प करते हैं आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए. They are known to increase the heart rate. Collectively, अगर दोनों का रोल एक ही होता है, they can increase the heart rate. ठीक है, इतनी बात पहले आप यहाँ पे याद रखना. मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, थोड़ा आप सोचिएगा. आपने पता है कभी देखा होगा, टीवी पे देखा होगा एटलीस्ट, कि कई बार लोगों की हार्ट बीट बंद हो जाती है, मतलब टीवी पे दिखाते हैं, पिक्चर में दिखाते हैं, मूवी में दिखाते हैं, हार्ट बीट बंद हो जाती है, तो होता है वो लोग वो शॉक ट्रीटमेंट यूज करते हैं हार्ट बीट को वापस रिवाइव करने के लिए, जिसे हम कहते हैं एज अ डिफिब्रिलेटर. वो लोग उसे हम कहते हैं डिफिब्रिलेटर को यूज करते हैं वो लोग, सो दैट यू कैन रिवाइव द हार्ट बीट. हार्ट बीट को रिवाइव करने के लिए ट्राई करते हैं. उसके साथ साथ वो लोग एक और चीज करते हैं, दे गिव द एड्रेनलिन का शॉट. वो इंजेक्शन में एड्रेन भरते हैं और तुरंत हार्ट के ऊपर वो लोग शॉट देते हैं उसका, ताकि आपका हार्ट रिवाइव कर जाए, अगर चांसेस है तो रिवाइव कर जाए. सो याद रखना, दिस टू हार्मोन्स विल कलेक्टिवली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द हार्ट बीट. ये दोनों के दोनों हार्मोन आपके बड़े ही जरूरी रोल यहाँ पे प्ले करते हैं टू इंक्रीज द हार्ट बीट. बोथ ऑफ देम कैन हैव अ रोल टू प्ले टू इंक्रीज द हार्ट बीट. तो इनके वजह से भी आपका हार्ट बीट इंक्रीज किया जा सकता है, टू इंक्रीज द हार्ट बीट. इवन मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकता हूँ अगेन, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जहां पे आपको भागना पड़े,
एकदम से आपका कंडीशन है जहां पे वो भागना पड़े या लड़ना पड़े, राइट, एनिमल सामने आ गया या एकदम आपकी गाड़ी एकदम से क्लिफ के पास आ गई, ऐसा कुछ कंडीशन अगर आता है तो आपके बॉडी के अंदर ये दोनों हार्मोन काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज किए जाएंगे और एड्रेनलिन तो ज्यादा किया जाएगा, राइट, एंड दिस हार्मोन इज नोन टू इंक्रीज द हार्ट रेट, या तुरंत जाके आपके हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। सो इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी ये हार्मोन आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, राइट, आपके सामने कोई लाइक लाइफ थ्रेटनिंग चीज आ गई, राइट, कोई मारने के लिए आ रहा है आपके सामने, या कोई एनिमल आ गया आपके सामने, राइट, या अपनी बाइक चला रहे हो एकदम क्लिफ के एकदम पास में से आप लेके जा रहे हो अपनी बाइक को, कोई भी अगर लाइफ थ्रेटनिंग चीज आती है वो टाइम पे आपके बॉडी के अंदर एड्रेनलिन काफी ज्यादा अमाउंट पर रिलीज किया जाएगा। अगर आप बंजिंग जंपिंग कर रहे हो, रिवर राफ्टिंग कर रहे हो, ट्रेकिंग कर रहे हो, ट्रेकिंग में तो कमी होता है, बट यस इन मेनी ऑफ द कंडीशन यू विल फाइंड दिस गोइंग टू बी अ रिलीज ऑफ द एड्रेनलिन। सो दैट इतना इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी आपका एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन आर बीइंग रिलीज इन अ वेरी हाई अमाउंट, ये आपका काफी अच्छे ज्यादा अमाउंट में आपका रिलीज किया जाता है, एंड इसका काम होता है हार्ट बीट को इंक्रीज करना। दे आर नोन टू इंक्रीज द हार्ट बीट, दे आर वेरी वेल नोन टू इंक्रीज द हार्ट बीट, ठीक है। तो इतनी बात याद रख लेना इसके बारे में, तो हॉर्मोन्स भी आपके हार्ट बीट को इंक्रीज कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो नोन टू इंक्रीज द हार्ट बीट एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर जरूरत पड़ती है तो ये लोग भी अपना काम करते हैं, एंड दे ब्रिंग द बॉडी इन द अगेन द स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, ये आपने सुना होगा, दे ब्रिंग इन द स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, दैट मीन्स ऐसी कंडीशन जहां पे इधर आपको वहां से भागना है या फिर आपको लड़ना है, सो ये भी याद रखना, इन द स्टेट ऑफ योर फाइट एंड फ्लाइट, अगर नहीं सुना होता, दे ब्रिंग इन द स्टेट ऑफ योर फाइट स्लैश फ्लाइट, समझो भालू हो गया सामने तो आप क्या प्रेफर करोगे, फाइट या फ्लाइट, आप लोग क्या प्रेफर करोगे? सब लोग फ्लाइट, कोई नहीं है जो बोलेगा कि अरे सर मैं नहीं भागती। ऑलराइट, सो यस, आप क्या करोगे? मेरा तो फ्लाइट ही रहेगा बेटा, मेरा तो दूर से फ्लाइट रहेगा, मतलब अगर बहुत दूर ही खड़ा हो ना तो भी मेरा फ्लाइट ही रहेगा, नो चांस। सो या इन दिस बोथ ऑफ द कंडीशन यू विल फाइंड, क्या बेटा क्या रिपीट कर दोगे? मैं कह रहा हूँ फाइट एंड फ्लाइट का मतलब होता है कि इधर आप ऐसी स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाली कंडीशन में आप आ रहे हो जहां पे आप इधर वहां से भागने के लिए रेडी हो, राइट, या लड़ने के लिए आप रेडी हो। सो कंडीशन ऐसी कि इधर आपको भागना पड़ेगा या फिर आपको लड़ना पड़ेगा, दोनों कंडीशन के अंदर आपके बॉडी के अंदर एक ह्यूज अमाउंट में एड्रेनलिन रिलीज किया जाता है, आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका एड्रेनलिन रिलीज किया जाएगा जो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, राइट, एंड विल मेक श्योर कि आप रेडी हो वहां से भागने के लिए भी और लड़ने के लिए भी। तो इस कंडीशन के अंदर इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ इमरजेंसी, राइट, तो वो टाइम पे आपका रिलीज किया जाता है एड्रेनलिन, ठीक है, और ये भी आपकी मदद करता है आपका, ये दोनों ही हार्मोन की मदद करता है आपका हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए। तो ये एक बात आप यहाँ पे याद रखना, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या अब ये वाली स्टोरी आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बात सबको? ठीक है, देखो आज के क्लास में हमने क्या क्या देखा है, वी हैव सीन द हार्मोन रेगुलेशन, दैट इज समथिंग वी हैव सीन, वी हैव सीन द न्यूरल रेगुलेशन हमने यहाँ पे देख लिया है। सो यहाँ पे हमने देखा कि ब्रेन आपके यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है। अब मुझे फटाफट हैंड रेज करके बताओ आपके न्यूरल रेगुलेशन के अंदर कौन से नर्व्स होते हैं जो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, फटाफट हैंड रेज करके मुझे बताइए कौन से नर्व्स आपके होते हैं जो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, फटाफट बेटा फटाफट, बस तीन लोग चार लोग, दैट्स इट बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, बताइए पलक बताइए कौन से नर्व्स थे वो जो हार्ट रेट को इंक्रीज करते थे? सर सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्व्स आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, बिल्कुल सी बात है। मुझे बताइए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, हैंड रेज करके आप लोग मुझे आंसर दीजिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जनरली आपका क्या करता है, ANS आपका क्या करेगा, बताइए मुस्कान, व्हाट इज माय ANS इज नोन फॉर? कंट्रोल्ड इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, राइट, ये आपके इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट हो गया, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम हो गया, हार्मोन रिलीज करना हो गया, दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही। तो ये हमने आज देख लिया, अलॉन्ग विद दैट वी हैव सीन अवर योर मायोजेनिक हार्ट, राइट, हमने मायोजेनिक हार्ट हमने हमारे यहाँ पे देखा है। और मुझे बताइए अगर आपके पास कोई केस आता है और वो अगर आके आपको कहता है कि मेरा ऐसे नोट काम नहीं कर रहा तो आप क्या बोलोगे उसे? सर मतलब आप वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, लगा सकते हो, और ये लगाते कहाँ पे आप आर्टिफिशियल पेसमेकर?
अपर राइट साइड ऑफ द आर्ट्रियम के मैं लगा दूंगा मेरा आर्ट्रियल पेस में, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, हैंड रेस करके बताना मुझे, एवी नोड आपका कहाँ पे होता है, हार्ट के अंदर एवी नोड आपको कहाँ मिलेगा? प्लीज रेज योर हैंड एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर ओवर हियर। एवी नोड आपको कहाँ मिल जाएगा? ओके बताइए मोनिका, बताइए एवी नोड मुझे कहाँ मिल जाएगा? लोअर साइड ऑफ राइट एट्रियम। Lower side of right atrium, ठीक है। So that is something we have seen. तो आज हमने देखा हमारे यहाँ पे मार्जिनिक हार्ट and we have also seen the your regulation of heart, ठीक है? जो हार्मोनल भी होता है आपका और आपका नर्वस सिस्टम के थ्रू आपका होता है। तो ये दो चीज हमने यहाँ पे देखी है। इतनी चीज याद रख लेना, you have to know all those things so that you can solve question based on them. So yeah, that's it. अभी हम लोग कल के क्लास में क्या करेंगे, we'll be doing the cardiac output. आपका हार्ट कितना ब्लड पंप करता है वो हम देखेंगे and then we will see your cardiac cycle. वो दो चीजें कवर करेंगे और अगर टाइम मिलता है then we'll also do the ECG as well, right? So I hope आज के क्लास के अंदर क्या कोई आपको डाउट है तो बताइए मुझे, क्या आज के क्लास में कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी। नो सर, ठीक है, ऑलराइट देन पीपल, इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है देन आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग फिर मिलेंगे सेम टाइम पे कल। सो चलिए देन, डू हैव फन, डू टेक केयर एंड या आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन नहीं है देन या चलिए, बाय फ्रेंड्स।